होली की खास मिठाई गुजिया है। आज हम गुजिया बनाएंगे। मोस्टली हम घरों में पतले कवर वाली ड्राई गुजिया बनाते हैं, बट आज हम मोटे कवर वाली चाशनी में डूबी हुई गुजिया, जिसके अंदर चाशनी भरी हो, जैसे कि हम मार्केट से लाते हैं, पर हमारी गुजिया मार्केट की गुजिया से ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीजा रेसिपी। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। सबसे पहले 250 ग्राम मैदा लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो आधा चम्मच घी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, पर घी से गुजिया खस्ता बनती है। अब लड्डू सा बनने लगा है, मतलब मोयन बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे, ना ज्यादा सॉफ्ट और ना ज्यादा हार्ड। इसमें लगभग आधा कप पानी लगा है। अब इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट पर रखेंगे। गुजिया के लिए स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए 250 ग्राम मावा या खोया लिया है। इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। हल्का भूनने के बाद 1 TBSP में चॉप्ड बादाम, काजू और किशमिश ऐड करेंगे और फिर से भूनेंगे। मावा भुन चुका है, इसमें टोटल 5 से 6 मिनट लगा है। इसको ठंडा होने देंगे। आप इसमें अपने पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब गुजिया के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए 1 कटोरी चीनी ली है और उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डाला है और इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये शहद जैसी चिपचिपी ना हो जाए, क्योंकि इसमें हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं चाहिए। और देखिए चाशनी तैयार है। मावा ठंडा हो चुका है, इसमें 125 ग्राम चीनी का पाउडर मिलाएंगे और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर या 4 से 5 इलायची कूट करके ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और गुजिया की स्टफिंग तैयार है। 20 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को कट करेंगे और पेड़े जैसा बना लेंगे। अब आटे का 1 पेड़ा लेंगे और उसको मोटा बेलेंगे। पतला नहीं बेलना है, इसको थोड़ा सा मोटा बेलना है और बेलने के बाद इसके चारों तरफ पानी लगा देंगे और बीच में स्टफिंग रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। आज हम ट्रेडिशनल स्टाइल में गुजिया बना रहे हैं तो साचे का यूज नहीं करेंगे, हाथ से ही एक बढ़िया सी डिजाइन बनाएंगे। एक छोर को दबाइए और उसी को पलटते जाइए और ऐसा ही करना है। इसी से बढ़िया डिजाइन बन जाएगी, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। इसी तरह सारी गुजिया तैयार कर लेंगे और उसको हल्के गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। गैस पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम तेल में ये गुजिया को तलने के लिए डालेंगे और उलटते पलटते इसको फ्राई कर लेंगे। एक बार की गुजिया को फ्राई करने में 8 से 10 मिनट लगे हैं। फ्राई की हुई गुजिया को चाशनी में 1 से 2 मिनट के लिए डिप करेंगे और फिर निकाल लेंगे। ऐसे ही सारी गुजिया को तैयार कर लेंगे।
मैंने गुजिया को चांदी के वर्क और पिस्ता से सजाया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। लीजिए, तैयार है रस से भरी चाशनी वाली शाही गुजिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।